नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं शिवम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज़ 47 में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान, जहाँ तालिबान ने कब्जा कर लिया। 20 साल बाद फिर से तालिबानी ने वापस कब्जा कर लिया है। वहाँ के नागरिक अपने देश छोड़ने पर मजबूर हैं। जो लोग छोड़ गए वो खुश हैं, जो वहाँ पर फंसे रह गए बस वो अपनी गिनती गिन रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान से एक नई खबर सामने आई है। अफगानिस्तान के तालिबान के प्रमुख के बाद काबुल हवाई अड्डे पर एक धमाके की गूंज सुनाई दी, जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को विचलित कर दिया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की खलाई एक बार फिर से खुल गई है। एक बार यह सिद्ध हो चुका है कि पाकिस्तान में आतंकी का जलवा कायम है। काबुल में हुए धमाके के बाद पाकिस्तान में इस जिम्मेदारी ISIK ने ली है। खास बात यह है कि इस आतंकी संगठन का प्रमुख अब्दुल उर्फ सलमान फारिक है। सलमान फारिक पाकिस्तान का एक नागरिक है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। ISI प्रमुख बनने से पहले उसके तार तालिबान से जुड़े थे। फारुक ने तालिबान से जुड़ने और ISI के प्रमुख बनने तक का सफर यहाँ से शुरू किया था। मार्च 2020 में काबुल गुरुद्वारे पर भी धमाका किया गया था। इसमें 26 अफगानिस्तानियों की मौत हो गई थी और एक भारतीय सिख की मौत हो गई थी। इसके बाद 4 अप्रैल 2020 को अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी से फारूक को गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में फारूक का हाथ ही था। अफगानिस्तान ने यह कहा कि इस हमले में हमारे अमेरिका सैनिक और अफगानिस्तान नागरिकों को निशाना बनाया गया था। वो लोग भी निशाने पर थे जिनकी पहचान जासूसों से थी। हमारे निशाने पर तालिबानी नहीं थे। बता दें कि फारूक के बारे में भारत की चिंता जता चुका है। भारत ने फारूक से पूछताछ के लिए दबाव बनाया था, तब पाकिस्तान ने उसकी मांग ठुकरा दी थी। हालांकि पाकिस्तानी निवेश मंत्रालय अफगानिस्तान राज्य को बुलाकर फारूक को हैंडओवर करने की मांग कर रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि फारूक अफगानिस्तान से और दूसरी कई एजेंसियों से पूछताछ में पाकिस्तान के लिंक के बारे में बता देगा। हालांकि उसने इस बारे में पूछताछ की ही नहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी डिमांड को खारिज कर दिया है और कहा कि फारूक पर अफगानी कानून के हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच अमेरिका से एक बड़ा फैसला सामने आया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कसम खाई है कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के जिम्मेदार लोगों को खोज कर मारेंगे। दोषियों को हमले पर मारे गए 13 अमेरिका सैनिक और 18 घायल के खून की कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि मेरे शासन में लोगों की रक्षा करना पर हर कदम उठाए जाएंगे, हम उन्हें पकड़कर इसलिए सजा देंगे। उन्होंने कहा कि जिन्हें इस हमले के अंजाम दिया और अगर कोई और सैनिक अमेरिका के सैनिक को नुकसान पहुंचाने का इरादा था, हम कुछ भी माफ़ नहीं करेंगे, सबको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।